डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट, आपका फेवरेट तलीमी रहनुमाई के स्पेशली डिजाइंड NMDCAT ब्यूटी एजुकेशन चैनल से दोबारा आपकी खबर में हाजिर हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता PMC ने भी सिलसिला तेज कर दिया हुआ है, जो ट्वीट करने का नोटिफिकेशन गायब गाये आ रहे हैं, और इसमें जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। PMC वेरी सिंपल है, PMC की वेबसाइट पे जाएं, इसका ट्वीट सेक्शन ओपन करें। ट्वीट पे मैंने आपके लिए निकाला हुआ है, गुड न्यूज है। जो प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं उनके लिए फीस का थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। इसमें आपको पता है कुछ अर्सा पहले ग्रेडिंग की थी, और इसमें PMC की वेबसाइट पे भी अगर जाए तो आप ये देख सकते हैं। PMC की वेबसाइट पे मैं आपके सामने शो करता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ये आप देखिएगा, इसमें ग्रेडिंग शीट है ये कॉलेज की, ये देखें कॉलेजेस ग्रेडिंग शीट। यहाँ से आप पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस की ग्रेड दे सकते हैं भी, कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में A B C D E F किस में फॉल कर रहा है, तो यहाँ से आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा भी उसकी फीस कितनी है। तो लेट अस गो टू द बैक टू द मेन टॉपिक। वो टॉपिक ये है भी ग्रेड ए की कोई इन्होंने या ग्रेड ए प्लस में जो है उन कॉलेजेस का बिल्कुल फीस का जिक्र नहीं किया गया, वो चाहे जितनी मर्जी फीस उन्हें बढ़ाएं, इस टेबल से यही शो हो रहा है। गुड न्यूज ये है अभी ग्रेड बी और सी की फीस कर दी गई है, गो के इतनी कम ये भी नहीं है, क्योंकि जब PMDC थी तो इसकी जो ग्रेड बी सी का चक्कर नहीं था, लेकिन सब कॉलेज की जो ट्यूशन फीस थी एनुअल वो 9,50,000 होती थी। अगर आपको जेन में हो, अगर आप बैकग्राउंड में पीछे मेरी वीडियोस देखें तो 9,50,000 थी। अब इन्होंने ग्रेड बी की ये फीस कर दी है 12,39,406 रुपीज। ये है ग्रेड बी वाले कॉलेजेस की 12,39,406 रुपीज, जबकि ग्रेड सी इंक्लूसिव नो स्कोर, जो मतलब इंक्लूडिंग, मतलब सॉरी इंक्लूसिव कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग नो स्कोर, जो ऐसे कॉलेज भी आपको ग्रेडिंग शीट जब आप चेक करेंगे, इस पे ग्रेडिंग शीट पे चेक करेंगे तो ऐसे कॉलेज भी आपको मिलेंगे जो आपका आगे उनका स्कोर ही नहीं है। कब इसकी एग्जामिनेशन की गई है, इंस्पेक्शन किया गया, वो आपको बताएंगे। लेकिन नो स्कोर का भी है जिसमें उसको स्कोर ही को नहीं दिया गया, लेकिन उसमें भी ग्रेड सी और उन नो स्कोर वाले कॉलेजेस का भी फी जो है वो है 9,62,685। मतलब ग्रेड बी वाले का 12,39,406 है, जबकि ग्रेड सी और नो स्कोर वाले कॉलेजेस का 9,62,685 रुपए है। ये बात समझ आ गई है, ये मैक्सिमम एनुअल ट्यूशन फीस है जो उन्होंने बता दी है। अब अगर मैं ये चलता हूँ नीचे इसके जो ड्यूरेशन का, इसका ये अभी पहले ये कहते थे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, जब ये इंटरव्यू लेते थे उसमें जो है बेसिकली कैपेबिलिटी कंपेटिबिलिटी को नहीं देखते थे, फाइनेंशियल स्टेटस को डोनेशन के हवाले से जो है कैंडिडेट उससे फाइनेंशियल स्टेटस पूछते थे भी क्या है, क्या फादर करते हैं, क्या मदर करती हैं, क्या जागीर है, कितनी जायदाद है, कितने एसेट हैं, ताकि आपकी 5 साल की फीस पूरी हो सके। लेकिन अब इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें ये है भी आपकी सिर्फ 1 साल की फीस आपको देनी होगी, और फाइनेंशियल स्टेटस पूछने के बाउंड नहीं होंगे, और 1 साल की फीस देनी है तो फिर आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपने 6 महीने की फीस देनी है तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 3 महीने की देनी है फिर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये हल्के फुल्के रियायत है, मतलब 20,000 या 40,000 का फर्क पड़ेगा फुल देने से भी, मतलब ये इतना गैप आएगा। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन है अब्लिक एडमिशन फीस ऑफ द स्टूडेंट मे बी चार्ज बट शेल नॉट बी मोर देन 2% ऑफ द एनुअल ट्यूशन फीस, मतलब उससे चार्ज किए जाएंगे लेकिन 2% से एक दफा लिखा हुआ है मोर देन, मतलब जो उसकी एनुअल ट्यूशन फीस है मतलब 12,39,406 है ग्रेड बी के सिलसिले में, ग्रेड सी के सिलसिले में 9,62,685 है, इसका 2% ज्यादा नहीं होंगे, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन एडमिशन चार्जेस वो लेंगे, वो लेने एक दफा ही है। नंबर 2 पॉइंट है स्टूडेंट हैविंग हैव द राइट टू पे द ट्यूशन फीस ऑन अ क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली का मतलब है 4 पे डिवाइड कर दें, 12 महीने होते हैं, 4, 3, 12, तो 3 महीने का भी दे सकते हैं क्वार्टरली से, ये मुराद है 6 मंथ का दे सकते हैं या एनुअल बेसिस पे दे सकते हैं। इसके अंदर फिर 2 पॉइंट है, सब पॉइंट है। ए स्टूडेंट जो मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर वो एलेट्स टू पे, अगर वो सिलेक्ट करता है कॉलेज को 6 मंथ बाई एनुअल फीस देने पे तो 2% डिस्काउंट है। इससे अगला पॉइंट है, मैं मुस्तर उर्दू में बता देता हूँ, अगर वो फुल फीस पे करता है पूरी एनुअल ट्यूशन फीस तो 4% डिस्काउंट है। आगे है मेन पॉइंट हॉस्टल फूड चार्जेस ऑन आना पर मंथ बेसिस आर एप्लीकेबल ओनली इफ द स्टूडेंट यूजेस द हॉस्टल फैसिलिटी, इसकी हॉस्टल फैसिलिटी ये ऑप्शनल चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑप्शनल हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो चार्जेस हैं ये ऑप्शनल हैं,
ये उस वक्त होंगे अगर आप हॉस्टल या ट्रांसपोर्ट उनकी वेल करेंगे। ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट अगला ही है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन अ पर मंथ बेसिस आर एप्लीकेबल इफ द स्टूडेंट वही बात यूजिंग द कॉलेज ऑफर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और ये भी मार्केट के हिसाब से उन्होंने ट्रांसपोर्ट के रेट आप बताएंगे। कल को अगर पेट्रोल का रेट जैसा कर रहा तकरीबन 8 रुपए कितने पैसे बढ़ा है, तो ऐसे जब बढ़ेगा तो इन्होंने पर मंथ रेट भी बढ़ा देने हैं। ये साथ स्टार डाल के उन्होंने ऑप्शन लिखा हुआ है, किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं उन्होंने अपने आप को सेव किया होता है। ये आप चेक कर लें, बेशक मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चेक कर लें तो स्टार दो स्टार स्टार का लिखा हुआ है 5% ज्यादा फीस नहीं मतलब बढ़ेगी साल की, साल की ओवरऑल फी जो है वो 5% बढ़ेगी। और जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे डबल स्टार लिख के लिखा होता है सब्जेक्ट टू द मार्केट एवेल्युएशन, मतलब मार्केट में पेट्रोल बढ़ेगा तो आपकी भी बढ़ेगी। ये जो 8 से 9 हजार जो ले रहे हैं अभी पर मंथ, तो ये 10 हजार भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन बहुत है, प्राइस आएगी बहुत ज्यादा है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। तो आप किसी भी कॉलेज का अगर खोलेंगे तो आपको ये सारी डाटा वहां से मिल जाएगा। तो अब ज्यादा इसमें खुश होने वाली बात भी नहीं है, अगर फर्ज करें अब 12,39,406 दे के किसी ग्रेड बी के कॉलेज में जाते हैं तो इसका 4/100 जरूर कर लें, ये कीमत तो 40-39 हजार का फर्क आना है, कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। जबकि पीएमडीसी के दौर में 9,50,000 से ट्यूशन फीस होती थी, जबकि यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 12,39,406 है। इट शुड हैव टू बी नोटेड। और इसके अलावा दूसरे जो चार्जेस हैं हॉस्टल, हेल्थ इंश्योरेंस, फूड चार्जेस, और इसके अलावा जो अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो इससे अलावा होंगे, मतलब कहने का है मतलब वो अलग होंगे। और वन टाइम जो साल की ये जो रजिस्ट्रेशन एडमिशन की फीस है वो भी कोई 1.5 लाख से ऊपर है। वो टोटल अगर मिलाएं किसी भी वेबसाइट पर चले जाएं तो हर एक कॉलेज की मुख्तलिफ है, मेरिट फार्मूला मुख्तलिफ, मेरिट क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। तो जहां भी आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, प्राइवेट में अप्लाई करना है, तो किसी द्वारा पीएमसी के थ्रू अप्लाई करना। अब ये हर एक जो कॉलेज है प्राइवेट उसकी मुतलका वेबसाइट पर आपने जाके खुद अप्लाई करना है, मतलब पीएमसी के थ्रू अप्लाई नहीं करना। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ब्यूटी एजुकेशन आपका अपना चैनल है, मौके पे वीडियो प्रोवाइड करता है। अभी आपको इंशाल्लाह यूएचएस के पोर्टल ऑन होने वाला है, उसके भी सारा डिटेल बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे लॉग इन होना है। इसके अलावा एफएमडीसी का भी आने वाली है, वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा कोई भी अगर मामला आपके साथ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर टाइम आपके खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तो अगली वीडियो आने तक अगर जिंदगी रही तो मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हमें नासिर।